हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह हेल्थ एंड डिजीज यानी रोगों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं विभिन्न जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजावा, कवक से होने वाले रोगों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यानी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, वे सभी क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे TET, PGT, KVS, NVS, LT, राजस्थान PTI, DSSB, कोई भी एग्जाम, ऑल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर MCQs क्वेश्चन पर बनाए गए हैं। एंड डेली बेसिस पर मैं चैप्टर वाइज MCQs का प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। यह दोस्तों पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों, क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, केवल एक, केवल बी, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा दोस्तों? उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपका उचित पोषण आवश्यक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इन सब की उचित मात्रा आपके शरीर को प्रतिदिन जरूर मिलना चाहिए। एंड नियमित व्यायाम, आप प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करें और उचित रहन सहन हो, यही उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों शरीर को कैसा बनाता है, तो क्यों व्यायाम आवश्यक है? तो हमको हमारे शरीर को क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम करने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए कि खाना खाना चाहिए कि तुरंत पानी पीना चाहिए कि ठंडी हवा में सोना चाहिए? तो व्यायाम करने के बाद दोस्तों न तुरंत खाना खाना चाहिए, न तुरंत नहाना चाहिए, कुछ देर आपको आराम करना चाहिए। तो थोड़ी देर आराम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए, कठिन की तेज की कभी कभी की नियमित? तो दोस्तों, जो भी कार्य आप नियमित रूप से करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा होगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? नियमित, यानी डेली बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सा बीमारी हो जाता है? तो दोस्तों, अक्सर आप अधिक उम्र वाले को ही सुने होंगे कि मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर मोतियाबिंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह विटामिन D से प्राप्त होता है, जैसा कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? जैसे कि पीलिया है, मलेरिया है, प्लेग है, हैजा है। तो यहाँ पे जो हैजा है दोस्तों, वह दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियां। अच्छे स्वास्थ्य की क्या पहचान है? दृढ़ मांसपेशियां, मांसपेशियां मजबूत और चमकीली हो, ठीक है, दृढ़ हो, स्वस्थ हो। नेक्स्ट दोस्तों, तंबाकू में हानिकारक रसायन क्या होता है? कौन सा हानिकारक रसायन होता है? निकोटीन। कौन सा होता है? निकोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, संक्रामक रोग कहते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोग, कि जल द्वारा फैलने वाले रोग को, कि संपर्क द्वारा फैलने वाले रोग को, कि उपयुक्त सभी को, ठीक है। तो दोस्तों, इन सभी के द्वारा संक्रामक रोग फैलता है, वायु, जल, संपर्क द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर, ठीक है, इम्यूनिटी पावर। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती है, संघर्ष करती है, लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? ठीक है, चेचक के विषाणु का क्या नाम है? तो चेचक के विषाणु का दोस्तों क्या नाम है?
चेचक आपका विषाणु द्वारा फैलने वाला यानी कि वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है। और चेचक के विषाणु का नाम है वायरस वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। ठीक है दोस्तों, चेचक यहाँ पे दो प्रकार का होता है। एक चेचक होता है जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, एक छोटी माता होता है जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। तो जो चेचक होता है स्मॉल पॉक्स, वह वेरियोला वायरस से होता है। किससे होता है? वेरियोला वायरस से। और जो छोटी माता होता है चिकन पॉक्स, वो वेरिसेला वायरस से होता है। इतना ही डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। तो दोस्तों यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों में ज्यादा होता है डिप्थीरिया। ठीक है, यह श्वसन संबंधी रोग है जो हमारे गले के पास जाली जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को विषाक्त करने बनाने वाले आंतरिक कारक क्या है? परजीवी रासायनिक पदार्थ है कि प्रोटीन विटामिन सी है कि वसा विटामिन ए है कि जल विटामिन ई है? तो दोस्तों भोजन को विषाक्त करने वाले हानिकारक कारक कौन है? परजीवी है यानी प्रोटोजोआ, रासायनिक पदार्थ, ये आपके भोजन को विषाक्त कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिटनेस से में होने वाला मुख्य विकार है। तो दोस्तों टिटनेस क्या लक्षण है? इसमें शरीर ऐंठ जाता है। ठीक है, शरीर का ऐंठ जाना ही इसका मुख्य विकार है। टिटनेस किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सभी रोगों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो टिटनेस जो है वह जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है। टिटनेस को धनुष टंकार रोग, ठीक है, लागजा आदि भी बोला जाता है। यह क्लास्टिड्रियम टिटनी नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। तो दोस्तों संक्रामक रोगों को बचाव के लिए मुख्य रूप से टीके लगवाना मुख्य उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। वायु द्वारा कौन सा फैलता है? इसमें दोस्तों चेचक है, पीला ज्वर है, मलेरिया है, हैजा है। जैसा कि हैजा भोजन के द्वारा फैलता है, मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, पीला ज्वर वायरल डिजीज है, एंड जो चेचक है वह वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, चेचक यानी कि चेचक जो है वह वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आधुनिक विचारधारा में केवल रोगों से आप स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है तभी आप स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सभी रूपों से, सामाजिक इन सभी रूपों से आप स्वस्थ हैं तभी आपको स्वस्थ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी यानी प्रोटोजोआ से कौन उत्पन्न होता है? दोस्तों मलेरिया, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? तो दोस्तों पीलिया रोग जो है वह जल व भोजन से प्रसारित होता है। जैसा कि पीलिया जो है दोस्तों यह विषाणु द्वारा फैलने वाला वायरल डिजीज है। ठीक है, यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। इसको यकृत शोथ कहते हैं, इसको इंग्लिश में जॉन्डिस या हेपेटाइटिस भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों यह जो है पीलिया जो है हमारे यकृत को प्रभावित करता है और हमारे पित्त रस का जो निर्माण होता है, जो उसका स्त्राव होता है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, जो बिलिरुबिन होता है हमारे यकृत में, यकृत जो हमारा पित्त रस का निर्माण करता है वह ज्यादा बनाने लगता है, जिससे जो पित्त रस का भाग होता है उसको अवजर करने की क्षमता उसको खत्म हो जाती है और जो पित्त रस होता है वो रक्त में मिल जाता है, जिससे हमारा शरीर पीला दिखाई देने लगता है और पीलिया रोग होता है। जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है। ऑप्शन है मलेरिया, हैजा, फ्लू, तपेदिक। तो दोस्तों यहाँ पे आप
चारों को पहले एक्सप्लेन करेंगे तभी आप रोगों का सही आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे मलेरिया किससे फैलता है। मलेरिया परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है, ये ध्यान में रखिएगा। और मलेरिया का परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। वहीं पे है हैजा। हैजा आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है। यह विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, और विषाक्त भोजन से फैलता है। एंड जो आपका तपेदिक है जिसे हम क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी बोलते हैं, यह भी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा फैलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग। बचा कौन, फ्लू यानी कि इन्फ्लुएंजा। फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा जिसे प्रतिस्याम या सेस्मा ज्वर भी बोला जाता है, यह आपका वायरल डिजीज है यानी कि विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फ्लू। नेक्स्ट है दोस्तों कि बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। तो बीसीजी का टीका तपेदिक यानी यक्ष्मा जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। एड्स रोग जैसा कि आप सबको पता है वायरस द्वारा फैलता है, वो भी एचआईवी वायरस द्वारा, जिसको एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जोड़ा गलत है। पोलियो मिलिट्रस बंदर, एनीमिया आयरन, रतौधि विटामिन के, क्वासी होकर प्रोटीन। जैसा कि आप इसमें से चार्ट लिए होंगे, रतौधि जो है विटामिन ए की कमी से होता है, के की कमी से नहीं होता है। यहाँ पे आंसर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है और सभी का जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग वाहक, इसमें से कौन सा रोग कवक जिसे फंगस बोला जाता है, ठीक है, फंगस द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है चेचक, फ्लू, मलेरिया, दाद। जैसे कि चेचक जो है वो हमारा विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जो वेरिओला वायरस से फैलता है। एंड जो मलेरिया है प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है जिसका परजीवी प्लाज्मोडियम है और वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। और फ्लू जो है वह वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है, जो मिक्सो वायरस या आर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है। और बचा कौन, दाद। दाद जो है दोस्तों वह आपका फंगल डिजीज है। क्या है, दाद जो है वह फंगल डिजीज है जिसे रिंग वार्म भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन है टाइफस, कैंसर, मलेरिया, कोई नहीं। यहाँ पे टाइफस यानी टाइफाइड जो होता है दोस्तों वह बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है। कैंसर जो है वह संक्रामक रोग नहीं है, यह हमारे अंदर शरीर के अंदर जो कोशिका एकाएक बहुत ज्यादा विभाजित हो जाती है, असामान्य विभाजन से आपका कैंसर होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि वायरस द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं। जैसा कि दोस्तों हैजा और टाइफाइड दोनों कैसी बीमारियां हैं, सबसे पहले तो बैक्टीरिया द्वारा फैलती हैं, और यह हैजा और टाइफाइड दोनों भोजन तथा जल जनित रोग हैं, मतलब खराब विषाक्त भोजन तथा जल से यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है। मलेरिया, हाइपरटेंशन, तपेदिक, कैंसर, ठीक है, तपेदिक, कैंसर। यहाँ पे आपको देखना है कि मलेरिया जो है वो मच्छर द्वारा फैलता है, वायु द्वारा पूछा है यहाँ पे, तो मलेरिया मच्छर द्वारा फैलता है। हाइपरटेंशन ये अलग बीमारी है, मेंटल डिजीज है। कैंसर जो है वो असामान्य कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तपेदिक जो है आपका जिसे क्षय रोग या टीबी कहते हैं, यह आपका वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो जल द्वारा आपका हैजा फैलता है। कौन फैलता है, हैजा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, संपर्क द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो यह संपर्क द्वारा फैलता है सिफिलिस। कौन सा रोग होता है, सिफिलिस, जो ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलता है।
नेक्स्ट दोस्तों, घाव द्वारा कौन सा रोग फैलता है? जैसा कि आप सबको पता है, घाव द्वारा टिटनेस फैलता है, ठीक है, जिसको धनुष संकार रोग या लॉग जॉ भी बोला जाता है, और यह क्लास्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें क्या होता है टिटनेस में, यह हमारे तंत्रिका तंत्र और पेशियों को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में झटका होती है, यानी कि जकड़ जाता है, ऐठन आ जाता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता है? हैजा, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, टाइफाइड, ठीक है, कौन सा रोग इसमें जल द्वारा नहीं फैलता है? हैजा दोस्तों, इसमें से आपका आंसर सही होगा इन्फ्लुएंजा। जैसा कि हैजा, पीलिया, टाइफाइड, ये सभी जल द्वारा, दूषित जल और भोजन द्वारा फैलते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा जो है वह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। यह इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को यह भी प्रभावित करता है, जैसे कि छींक, त्वचा में खराश, आँख और नाक से द्रव बहना, भूख न लगना, ये अभी इसके लक्षण हैं, जिसको श्लेष्मा ज्वर भी बोला जाता है, प्रतिश्याम भी बोला जाता है इन्फ्लुएंजा को। नेक्स्ट दोस्तों, फील पाँव रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? फील पाँव, जिसे कि हम जिसे जिसमें पैर मोटा हो जाता है, जिसे फाइलेरिया कहते हैं, जिसे हाथी पाँव भी बोला जाता है, यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों, यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है फील पाँव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? तो ल्यूकेमिया जो है वह हमारे रक्त की बीमारी है, शरीर में WBC की कमी से होता है। नेक्स्ट है, छूत की बीमारी नहीं है, हिस्टीरिया, खुजली, फ्लू, वायरल फीवर, कौन सा छूत की बीमारी इसमें नहीं है? दोस्तों, इसमें आपको देखना है हिस्टीरिया जो है वह आपका छूत की बीमारी नहीं है, जबकि फ्लू, खुजली, वायरल फीवर एक छूत की बीमारी है। दोस्तों, कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? इसमें आपको जैसे दिया है मलेरिया, कैंसर, चेचक, माइग्रेन। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है चेचक, जिसे चिकन पॉक्स बोला जाता है, यह आपका स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, यह आपका वायरल डिजीज है, ठीक है, जो वेरिवेला वायरस से फैलता है। नेक्स्ट दोस्तों, मलेरिया रोग फैलता है किसके काटने से? एनाफिलीज मच्छर के काटने से, वो भी किस एनाफिलीज? मारा एनाफिलीज। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग का संबंध है किससे है? हमारे कंठ से है, ठीक है। डिप्थीरिया रोग में क्या होता है, हमारे कंठ में जाली सब बन जाता है, और जिसे हम सांस लेने में दिक्कत होता है, ये छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, जैसे कोरोना वायरस में होता है कि हमारा कंठ ही बाधित हो जाता है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार डिप्थीरिया में भी होता है, कंठ में जाली सा बन जाता है, जिससे हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, खसरा रोग का कारण है पानी, मच्छर, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। खसरा किससे होता है? पानी से होता है कि मच्छर से होता है कि जीवाणु से कि विषाणु से? तो जो खसरा, यानी जिसे मीजल्स बोला जाता है, यह विषाणु यानी वायरल डिजीज है, जिस जो मिक्सो वायरस या रूबेला मोरबिली वायरस से फैलता है। यह इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, इन्हीं लाल दानों को रूबेला यानी कि खसरा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कैंसर, ऑप्शन है कैंसर, उच्च रक्तदाब, शुगर, मलेरिया। जैसा कि दोस्तों, यहाँ पे कैंसर जो है वह हमारे शरीर में कोशिकाओं के असामान्य विभाजन से होता है, असामान्य वृद्धि हो जाती है तो होता है। उच्च रक्तचाप जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जम जाने, हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, या हम ज़्यादा मात्रा में आयोडीन या सोडियम हो जाता है हमारे शरीर में, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। शुगर जो होता है वह, जिसे डायबिटीज बोला जाता है, वह हमारे शरीर में इंसुलिन की कम बनने के कारण होता है, जिसे हमारे शरीर में ग्लूकोज, हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे उसे शुगर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज भी बोला जाता है, जिसे मधुमेह भी बोला जाता है। यहाँ पे आपका ये सभी रोग, कैंसर, उच्च रक्तदाब और शुगर, ये संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक रोग है कौन? मलेरिया, जो प्रोटोजोआ से फैलता है, जो इसका परजीवी प्लाज्मोडियम है, और रोग वाहक है आपका
मदा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है दोस्तों, किस रोग का वाहक गृह मक्खी है? तो किस कौन सा रोग ऐसा है जो घर की मक्खियों से फैलता है दोस्तों? हैजा। ठीक है, ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? ठीक है दोस्तों, टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार जिसे बोला जाता है, और मोती झरा भी बोला जाता है, आंत रजोड़ा भी बोला जाता है इसको, तो इन सभी नामों को याद रखिएगा। तो पूछा क्या है कि टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? इसमें आंतें हमारी प्रभावित हो जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वायरस द्वारा होने वाले रोगों में एक है कौन है दोस्तों? वायरस द्वारा यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, पेचिस, कुकुर खांसी, इसमें से वायरस द्वारा फैलने वाला रोग कौन है? तो दोस्तों इसमें से वायरस द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है इन्फ्लुएंजा। कौन सा है? इन्फ्लुएंजा। आप सोचते होंगे कि पेचिस किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? तो जो पेचिस है दोस्तों, वह प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा। यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से फैलता है, ये ध्यान में रखिएगा। न बैक्टीरिया से फैलता है, न वायरस से। पेचिस जो है, जिसे हम डिसेंट्री बोला जाता है, वह परजीवी यानी प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। कौन सी परजीवी? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, यह भी हमारे आंतों को प्रभावित करता है, खून के साथ दस्त होता है। ठीक है, और जो कुकुर खांसी है दोस्तों, वह आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, और इसमें वायरस द्वारा पूछा है, तो इन्फ्लुएंजा यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो वायरस का संक्रमण होता है किससे? मच्छर और मक्खी द्वारा, कि दूध व अंडे द्वारा, कि जल तथा खनिज प्रदूषण द्वारा, जल तथा खाने के प्रदूषण द्वारा, कि मांस से? किससे होता है दोस्तों? तो यह हमारा जल तथा खाने के प्रदूषण द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है, तो एचआईवी वायरस से कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्न में से क्या उभयनिष्ठ है? तो दोस्तों दोनों में उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में क्या सेम है, तो सेम यही है कि यह मच्छर प्रजाति से फैलता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से फैलता है, और डेंगू एडीज एडिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू हमारे प्रोटोजोआ को खाता है और प्रभावित करता है। डेंगू जो है हमारे प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, प्रोटोजोआ ने, वो तो एक प्रजाति है। ठीक है, तो डेंगू जोन में क्या होता है, हमारे जो प्लेटलेट्स होता है, जो हमको शक्ति प्रदान करता है काम करने की, उसी को ही खा लेता है, कम कर देता है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी दम नहीं लगता है, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। और मलेरिया में क्या होता है, हमारे आरबीसी को प्रभावित करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है? स्वास्थ्य वातावरण, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य शिक्षा। तो दोस्तों ये तीनों जो है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम अपनाया गया फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना 1939 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य वह मानसिक तथा सामाजिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो। यह कथन है, इस कथन को कहा है वाल्टमर एवं एसलिंगर ने। किसने कहा है? वाल्टमर एवं एसलिंगर ने। नेक्स्ट दोस्तों, कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है क्या? फल, प्रोटीन, मांस, कि संतुलित आहार? तो संतुलित आहार में दोस्तों सभी पोषक तत्व आ जाते हैं। जैसे कि संतुलित आहार कहा किसे जाता है, जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आवश्यक मात्रा में विद्यमान हो, संतुलित मात्रा में विद्यमान हो, उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसी को हम कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, ये ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कोई शारीरिक श्रम कर रहा है तो उसको 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति की लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? अगर वो साधारण कार्य कर रहा है दोस्तों तो उसको 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और शारीरिक श्रम कर रहा है तो 3600। अगर लंबी दूरी का धावक है या कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसको 5000 कैलोरी तक की आवश्यकता होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है दोस्तों कि संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार आसन है दोस्तों जिसमें उचित खाद्य पदार्थ का समावेश हो, ये भी सही है। जिसमें सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा व अनुपात में हो, ये भी सभी सही है। जो सुपाच्य आकर्षक रुचिकर हो, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश चाहिए? वृद्धि काल यानी जब हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है तो उस समय हमारे सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। कौन जरूरी होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता यानी कि जो इसे एनीमिया बोला जाता है, तो रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो यह लौह तत्व यानी आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? जैसा कि कई वीडियो में बता चुकी हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं पे वसा का पूछेगा कि 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, कुपोषण दोस्तों इसके कारण होने वाला रोग है क्वार्सी योर्कर व मरास्मस, जो प्रोटीन की कमी से यानी कुपोषण न मिलने के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊर्जा मापने की इकाई है, तो ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? आप किसमें मेजर करते हैं? कैलोरी में। ठीक है, ऊर्जा को किसमें मेजर करते हैं? कैलोरी में। नेक्स्ट है दोस्तों, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कैसी होनी चाहिए? तो उसके अपेक्षा की थोड़ा कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संतुलित भोजन के लिए आपका 6 पोषक तत्व जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, तो सभी आवश्यक है। तो इसमें 3 नाम दिया है, तो ये तीनों आवश्यक हैं। आप उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे, क्योंकि यहाँ फालतू की बातें नहीं होती हैं, ओनली आपके जो जरूरी है, जो आपको नीड है, उसी पर बातें होती हैं। दोस्तों यदि आपके नीड के अलावा मैं दूसरा बात करूंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, आपको जो आपको चाहिए नॉलेज वही नॉलेज दिया जाता है, फालतू की बातें नहीं होती है दोस्तों। इसलिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे विजिट कीजिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो प्रैक्टिस सेट लगाना है तो बिना टाइम बर्बाद किए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपका डिजीज यानी रोगों पर होगा, उसके बाद विकृतियां यानी डिफॉर्मिटी, जो हमारी सारी विकृतियां हैं, हॉलो बैक, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, इस पर वीडियो होगा। ठीक है, और इस प्रकार उसके बाद आपका हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।